बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ नीतीश सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। ताजा घटनाक्रम में बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध अनुसंधान इकाई ने निलंबित आईपीएस राकेश कुमार दुबे के ठिकानों पर छापेमारी की है। सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार भोजपुर के एसपी रहे राकेश दुबे के 4 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। इनमें से उनके 2 ठिकाने पटना और 2 झारखंड में है। दरअसल भोजपुर के एसपी रहे राकेश दुबे पर बालू माफियाओं से सांठगांठ के आरोप लगे थे, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। उनके खिलाफ वारंट भी जारी किया गया था। इससे पहले राकेश दुबे और पहली बार किसी जिले की कमान देते हुए भोजपुर का एसपी बनाया गया, लेकिन इसके बाद उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया। कुछ दिन पहले ही भोजपुर के डीटीओ रहे एक अधिकारी के भी कई ठिकानों पर छापेमारी हुई थी, जबकि 2 दिन पहले पटना में भी एक इंजीनियर के कई ठिकानों पर रेड हुई। बिहार में भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों के खिलाफ सरकार की इस कार्रवाई से प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल बालू के अवैध धंधे में ईओयू की खुफिया रिपोर्ट में कई अधिकारियों के सांठगांठ के साक्ष्य मिले थे। इसके बाद से संबंधित अधिकारियों के यहां छापेमारी का सिलसिला लगातार जारी है।